एक बार आप YouTube पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं कि Facebook से कॉपी पेस्ट करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या ये असल में बात सच है? इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं और हम 30 दिन तक इसको लगातार करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा मतलब टारगेट है कि हम डॉग के वीडियो जो होते हैं ना, वो डालेंगे Facebook रील पे, और इसको कम से कम 30 दिन तक टारगेट बना के चलते हैं। कुछ भी हो जाए, व्यूज आए या ना आए, फिर भी हमको डालना ही है 30 दिन तक। पर हाँ, इसमें मेरी एक स्ट्रेटेजी और लगा रहा हूँ कि इसमें एक एफिलिएट लिंक डालूंगा, हाउ टू ट्रेन योर पप्पी, मतलब अपने कुत्ते को ट्रेन कैसे कर सकते हो। अगर जो व्यूज आए, मान लो मोनेटाइज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग से उससे पैसे आ जाएंगे। अगर जो मान लो एक वीडियो को कोई 1,000 लोग देखता है और उसमें से एक दो लोग भी उससे एफिलिएट कोर्स खरीदते हैं, तभी मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, तो इससे नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज़ को करते हैं कम से कम 30 दिन तक। तो टारगेट है कि एक दिन में मेरे को 6 रील कम से कम बनानी ही बनानी है। पर हाँ, ये बात बताना किसी को मत, नहीं, अपने दिमाग में डाल लो, बस सीक्रेट रखना। तो सबसे पहले आपको एक नया पेज बनाने ला है, और उसके बाद आपको उसको अच्छे से सेटअप कर लेना। और हाँ, उसमें जो कैटेगरी होती है वो गेमिंग कैटेगरी में कोई से भी सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि उस पर जल्दी रील वायरल होती है। और ये ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा मैंने यूट्यूब पर देखा है, खुद प्रैक्टिकल कभी नहीं किया है। तो ये सब करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है समझदारी, कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कैसे समझते हो। अगर तुमको वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आने लगती हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। मैंने एक इस पर फुल डिटेल वीडियो बना रखी है कि समझदार कैसे बनते हैं, तो वो नहीं देखी है तो वो देख लेना जाके, बस थोड़ा बहुत समझा रखा है। तो शुरू करते हैं फिर Day 1 से, और देखते हैं 30 दिन बाद क्या होता है। कुछ नहीं हुआ तो फिर वो बात अलग है। आज है 25 मार्च, और मेरा वीडियो अपलोड का पहला दिन था, और हमने 6 रील अपलोड कर दी हैं। अब हम आपको 5 दिन के बाद मिलेंगे और अपने पेज की एनालिटिक्स दिखाएंगे कि 5 दिन के अंदर किस में कितने व्यूज़, किस में कितने ज़्यादा लाइक आए। चलो फिर वेट करो 5 दिन का। हाँ भाई, मैं सच बताऊँ ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, फेसबुक पे जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, कि फेसबुक से कॉपी पेस्ट करके असल में पैसे कमाए जा सकते, ये सब फेक ही वीडियो बनाते हैं। मुझे लगता नहीं है ऐसा, पर हिम्मत बांध के मैं 30 दिनों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता हूँ, क्या असल में ऐसा होता है? अगर जो नहीं होता ऐसे, तो आज से तुम टाइम वेस्ट करना फेसबुक पर बंद कर देना, ठीक है? भाई आज है 29 मार्च और हमारे 5 दिन वीडियो अपलोड करते करते हो चुके हैं। लगभग में हमने 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप खुद सोच के बताओ कि 30 दिन में हमारे पेज पर कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जल्दी से सोचो और कमेंट करो। अब मैं बताता हूँ, मेरा सिर्फ 30 दिन, मतलब 5 दिन के अंदर सिर्फ एक फॉलोअर आया 5 दिन के अंदर। भाई डीमोटिवेट हो गया मैं, और 30 वीडियो में सिर्फ एक फॉलोअर, 8,000 रीच बहुत ही कम है भाई। अभी तो ऐसा मन करता है कि यार पेज को छोड़ दूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ मोस्टली लोग भी यही गलती करते हैं कि काम किए और कोई रिजल्ट नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। जो हमने टारगेट लिया है 30 दिन का, वो 30 दिन का ही कंप्लीट करके रहना है मुझे, चाहे भले ही कोई रिजल्ट ना मिले। और हाँ, अब हमको इस पेज पर ई बुक प्रमोट करने की मैं सोच रहा था, पर इसमें भी एक समस्या आ गई कि इसमें दो, मतलब इंडिया के भी लोग आ रहे हैं और फॉरेन कंट्री के भी आ रहे हैं। अगर जो मैं खुद से ई बुक बना के उस पर प्रमोट करता हूँ, तो लोग बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। अगर जो मैं बाहर की ई बुक एफिलिएट लिंक डिजी स्टोर का लेके डालता हूँ, तो फिर इंडिया के लोग नहीं खरीद पाएंगे। ये समस्या है, पर मैं सोच रहा हूँ कि दोनों ही डाल देते हैं, जौन सी जिसको पसंद आएगी वो बाई कर लेंगे, और देखते हैं क्या होता है। भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आने वाले 10 दिन के बाद मिलेंगे, मतलब पूरे 15 दिन हो चुके होंगे, तब दिखाते हैं हमारे पेज के रीच कहाँ पर पहुँची है, ठीक है? हमें वीडियो डालते डालते अब 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 दिन के अंदर हमारे पेज पर 21,000 रीच और 20 फॉलोअर आए हैं, और हमने हार मान ली है। यार मेरे खेत पे गेहूं काटने को हो गया है, तो खेत पे गेहूं काटूंगा यार, काफ़ी मतलब काम रहता है, और इसीलिए अभी हम हार मानते हैं। फिर
फिर अगली बार कभी चैलेंज करेंगे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पर जितना बताते ना कि उतना पैसा कमाया जाता है, कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैंने जितनी ज़्यादा मेहनत करी 10 दिन के अंदर, मुझे पता है भाई 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाना थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और उसके लिए एक प्रॉपर माइंडसेट, भाई तगड़ा माइंडसेट की ज़रूरत होगी, तब आप कमा पाओगे। पर कमाए जा सकते हैं, आप ट्राई करना एक बार कर सकते हो, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, पर कमा सकते हो।